एसोसिएशन इस इवेंट के साथ करीबन 5 सालों से चल रही है. गायिका हूँ तो मुझे बहुत पसंद है कि लोग मुझे बहुत पसंद है जब लोग गाते हैं. और कराओके जापानीज वालों ने काफ़ी अच्छी चीज़ इन्वेंट की है. आई थिंक इट गिव्स एवरीबडी अ चांस टू बी अ रॉक स्टार पॉप स्टार ऑन स्टेज. तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये कॉन्टेस्ट जज करके. आई थिंक पिछले 5 सालों में या 6 सालों में 4 बारी मैं यहाँ पर रही हूँ जब फिनाले हुआ है इंडिया का. और काफ़ी विनर्स को भेजा है हम लोगों ने, पता नहीं कहाँ कहाँ, आइसलैंड गए, ये लोग कनाडा गए, इस साल शायद कनाडा में है कॉन्टेस्ट. बहुत टैलेंट है, बाथरूम सिंगर्स हैं, नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स हैं जो आके स्टेज पे गाते हैं बिल्कुल जैसे कि प्रोफेशनल बनना चाहते हैं. बहुत मज़ा आता है. मैंने हमेशा सिर्फ फाइनल्स जज किया है जो छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं या आए थे पिछले साल. शायद जयपुर से आते हैं, उदयपुर से आते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पूना, ऑफ कोर्स पूना बॉम्बे तो होता ही है, दिल्ली से भी आते हैं लोग. जो फाइनल्स होता है पूरा ऑल इंडिया फाइनल्स, वो सावियों की वजह से यहाँ पे बॉम्बे में होता है. और लोग गाते हैं, नाचते हैं, बहुत मज़ा आता है. इस साल तो एक कोरियोग्राफर भी हमारे साथ, संदीप सपरकर करके, तो इस साल तो शायद मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है स्टेज पे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ये ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स के लिए, ये करियर सिंगर्स के लिए नहीं है. हालांकि कुछ लोग हैं जो, आई थिंक एक बंदा था जो 2 साल पहले बिग बॉस में भी चला गया था. तो यहाँ पे मतलब सिंगिंग टैलेंट नहीं है कराओके, मतलब नॉन प्रोफेशनल सिंगर्स है, एक स्क्रीन पर लिरिक्स देख के गा रहे हैं. इंडियन आइडल थोड़ा बहुत ही प्रोफेशनल शो है. और हालांकि अगर आप ये दिखा रहे हैं इंडियन आइडल वालों को, तो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा करें. वो लोग गाते बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस जैसे अमेरिकन आइडल पे होता है आज तक किसी ने किया नहीं है. मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे बस एक माइक दे दो और खड़ा कर दो कहीं पर भी, मैं गाती रहूँगी. आई लव सिंगिंग. हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में की थी. कभी सोचा नहीं था, उस समय रियलिटी टीवी और एंटरटेनमेंट में इतने सारे करियर ऑप्शंस नहीं थे, तो कभी सोचा नहीं था कि करियर के लिए गाना शुरू करूँगी. अभी नई एल्बम, अभी जब आपसे पहले बात करी थी, मेरा वीडियो अभी आया, मैं एडिट कर रही हूँ. पूरी एल्बम में खुद कंपोज किए गाने, खुद गाए गाने, और पहला वीडियो मैंने खुद डायरेक्ट भी किया है. तो अभी कुछ ही हफ्तों में आप लोगों को दिखेगा टीवी पर. सो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे की थी जेवियर्स कॉलेज में. तो पापा यहाँ पे, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर हुए हैं, जनरल थे. तो उस समय INHS अश्विनी में पोस्टेड थे. मैंने कहा चलो आप घर ले लो, मैं आ रही हूँ बॉम्बे पढ़ाई करने के लिए. और फिर एक बॉम्बे जगह ही ऐसी, एक बार यहाँ पे आ गए तो छोड़ने का मन नहीं करता. इकलौती लड़की हूँ अपने 2 माँ बाप की, और उनकी वजह से, यू नो, बाय और गॉड की वजह से कभी स्ट्रगल करने का कभी स्ट्रगल नहीं हुई है मुझसे. और आई थिंक बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, बहुत कुछ मिला है, और मैं हमेशा गॉड को थैंक यू कहती रही थी. रोज़ सुबह उठती हूँ और मैं कहती हूँ थैंक यू, मुझे आपने इस इंडस्ट्री में डाला और मेरा ख्याल रखा और कभी स्ट्रगल करने नहीं दिया. लेकिन स्ट्रगल बहुत होती है. ज़्यादातर मुझे लगता है जो लोग थोड़े बहुत फेमस हो चुके हैं, उन्हें आसानी से दूसरे लोगों को हेल्प करना चाहिए. पर मुझे कभी बात में ये बात समझ नहीं आई कि लोग दूसरों को इतना स्ट्रगल क्यों कराते हैं, क्यों ज़्यादा मदद नहीं करते हैं. मैं कोशिश करती हूँ जब भी मेरे पब्लिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, कोई भी नया सिंगर है तो उसे रंगमंच पे ले आती हूँ अपने साथ, और एक मौका देती हूँ उन्हें गाने के लिए. कभी मैं सोचती हूँ कितने सारे फिल्म डायरेक्टर्स हैं, कितने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनके हाथ में है कि रोज़ एक नया करियर बनाएं, रोज़ एक दो स्ट्रगलिंग लोगों को ना स्ट्रगल करने में हेल्प करें. बट कोई करता नहीं. पहला प्रोजेक्ट जब नाचले रिलीज़ हुई थी 2005 में, मेरा पहला एल्बम था और नंबर 1 पे चला गया. बहुत देश विदेश में बहुत अवार्ड्स मिले, 17 सिटी का टूर कर लिया हमने विदेश में, अमेरिका, कनाडा, लंदन, इंग्लैंड पूरा घूम के आ गए. और बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हुआ था, तो तब शायद थोड़ी बहुत पहचान बनी. स्टार प्लस पे सीरियल होता था मिली करके, बट वो छोड़ के मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना पड़ा था. तो और एक दो पिक्चरें भी आ चुकी हैं. भाग जॉनी में विलन का रोल है, तो अभी लोग थोड़ा बहुत पहचान लेते हैं. हाँ जी, अभी नहीं रही विटनी ह्यूस्टन, विदेशी कलाकार है, और इंडिया में तो सोनू निगम के अलावा कोई है नहीं है, मतलब ही इज़ जस्ट फैंटास्टिक. मेरी एजुकेशन ही ऐसी हुई है. मेरे पिताजी ड्रम्स बजाते थे, डॉक्टर हैं, लेकिन कॉलेज में ड्रम्स बजाते थे, और मुझे बड़ा किया रॉक म्यूज़िक पर, विदेशी रॉक म्यूज़िक पर. और उस ज़माने में मैं कहूँगी कि काफ़ी इंडिया में भी बहुत पकड़ था इंटरनेशनल रॉक म्यूज़िक का, क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ी बोलते थे ज़्यादा, हिंदी से ज़्यादा. बट धीरे धीरे आई थिंक वो यू नो, हिंदी पहचान एक बढ़ गई है और हिंदी म्यूज़िक ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे. बट आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रेज्ड ऑन इंग्लिश, एंड म्यूज़िक तो वैसे शुड बी विदाउट बाउंड्रीज, सो आई शुड हैव सेड विदेशी, मतलब अंग्रेजी म्यूज़िक कहना चाहिए. मेरे पिताजी की भी जो फैमिली है, बहुत म्यूज़िक बहुत रहा. मेरे दादाजी भी गाते थे, हालांकि वो भी आर्मी में थे. तो म्यूज़िक आई थिंक मेरे रग रग में, यू नो, वाकिफ है शब्द है या राइट. बट आई थिंक दोनों तरफ से
सरदारों को तो नाचना बहुत पसंद है और साउथ तमिलियन ब्राह्मण्स को गाना बहुत पसंद है. अभी दोनों का मेल हो गया है इसमें. तो वैसे इस एल्बम पे गाना निकलेगा, मिक्का ने मेरे साथ गाया है, बहुत ही करीबी दोस्त हैं. मैनू उहदे नाल ही पंजाबी च गल्लां होंदी है ज़्यादातर बॉम्बे में. तैनू वेख के तुम्मा पै गई आ तू चंडीगढ़ तो आई नी है, तैनू वेख के तुम्मा पै गई आ तू चंडीगढ़ तो आई नी, तोटी ते काला तिल कुड़िए, तोटी ते काला तिल कुड़िए, तैनू काला चश्मा वो तैनू काला चश्मा. आगे आप गाए काला चश्मा जचदा है घोड़े मुकड़े ते. वेल डन.